हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, मेरा नाम है डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर बच्चों और आज हॉस्पिटल वाले ज्ञान में आपको आज हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हर साल उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है। प्लस अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम भी करेंगे तब भी ये चीज आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो बिना किसी देर के आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों सेंट्रल लाइन, जिसको आप बोलते हो। सेंट्रल लाइन का एक्चुअल में पूरा नाम होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर, जिसको हम शॉर्ट में सेंट्रल लाइन बोलते हैं। तो सेंट्रल लाइन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है और अगर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन सेंट्रल लाइन पर ही पूछा गया है। सेंट्रल लाइन ट्रिपल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, फोर ल्यूमन तक हो सकती है, लेकिन कॉमनली जो यूज होती है हॉस्पिटल्स में वो सबसे ज्यादा ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर हम यूज करते हैं। तो अभी हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे लाइव, ताकि आप उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से देख पाए, समझ पाए और उसके बारे में जान पाए एक्सपर्ट से। तो जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स हमें मिलेंगे, सामान क्या क्या होता है, उस जो सेट आई, जो सीबीसी सेट जिसको हमने बोला है सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन सेट, उस सेट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो ट्रिपल ल्यूमन लाइन है सेंट्रल लाइन वो मिलेगी मेन, जिसका साइज ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 फ्रेंच का होता है एडल्ट में और लेंथ उसकी 6 इंचेस और 16 सेंटीमीटर होती है। तो कभी कभी सीधा सीधा डेटा पूछ लिया जाता है कि बताओ जो एडल्ट में सेंट्रल लाइन यूज करते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है या उसकी ल्यूमन का साइज क्या होता है। तो 7 फ्रेंच की जो साइज की होती है एडल्ट में हम यूज कर रहे हैं। तो एक कैथेटर निकलेगा, एक गाइड वायर निकलता है, इस गाइड वायर का काम क्या है वो भी हम बात करेंगे, कैसा दिखता है आपको दिखा देंगे। एक निडल होती है इंट्रोड्यूसर निडल, जो कि नॉर्मल निडल से थोड़ी ज्यादा लंबी और थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि हमें इसके अंदर गाइड वायर डालना होता है। प्रोसीजर का वीडियो भी आपको दिखाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे बच्चों। एक डायलेटर निकलता है, डायलेटर का काम क्या होता है वो प्रोसीजर में दिख जाएगा आपको, थ्योरेटिकली भी मैं आपको बताऊंगा और अनबॉक्सिंग में आपको दिखाऊंगा कि डायलेटर कैसा होता है। उसके अलावा सीबीसी सेट में आपको सिरिंज मिल जाती है, सूचर रखा हुआ होता है और एक स्केलपल रखा हुआ होता है जो प्रोसीजर के दौरान काम आने वाला होता है। तो ये तो डिटेल की क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब हम शुरू कर रहे हैं अनबॉक्सिंग ऑफ सेंट्रल लाइन या फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो क्या क्या सामान निकलेगा मैं आपके सामने खोल रहा हूं, देखिए ये नया सेट मैंने आपके सामने अभी खोला है, इसको अनबॉक्स कर दिया है और ये जो आप देख रहे हैं रैपर, इसमें एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज निकल रही है, उसका साइज क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसको समझ पाओ और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ 7 फ्रेंच, ये इसका साइज है। 3 ल्यूमन लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब इट इज ट्रिपल ल्यूमन। 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मैंने आपको बताया था कि 6 इंच या फिर 16 सेंटीमीटर एक ही बात है, और 0.035 इस गाइड वायर का डायमीटर भी बताया हुआ है। तो कभी आपसे एग्जामिनर अगर डेटा पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल लाइन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं कंटेंट्स, सामान एक सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन सेट में क्या क्या चीजें निकलेंगी हम सिक्वेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो ये आप जो देख रहे हैं बच्चों ये है ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर या सिंपल सेंट्रल लाइन जिसको हम बोलते हैं। ये सेंट्रल लाइन है मेन, जो कि इंटरनल जुगुलर आईजेबी या सबक्लेवियन फीमोरल जहां भी आपने डाली है उस सेंट्रल लाइन के अंदर ये चली जाती है, वेन के अंदर चली जाती है और ये इसके 3 ल्यूमन्स हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कवर्ड है, ये ढक्कन लगा हुआ है इसका, ये वाला भी कवर्ड है लेकिन ये वाला खुला हुआ है, क्योंकि जब गाइड वायर के ऊपर हम इसको डालते हैं तो इसमें से गाइड वायर बाहर निकलता है। तो सेंट्रल लाइन मेन जो है कैथेटर वो, उसके बाद में मैंने आपको दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है गाइड वायर। तो ये जो गाइड वायर है बच्चों, ये गाइड वायर देखिए, ये गाइड वायर की खासियत भी आपको याद रखनी होगी। ये गाइड वायर होता है आगे से जे शेप्ड, ये मैंने गाइड वायर का ढक्कन खोला, ये जो टिप है ये जे शेप्ड होती है। तो एग्जाम में आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि जो सेंट्रल लाइन का गाइड वायर होता है उसमें क्या क्वालिटी होती है, तो वो जे शेप होता है और ये गाइड वायर इसमें कवर्ड है, इसके अंदर पूरा है, अगर आप इसको निकालेंगे तो ऐसे निकलता चला जाएगा। लाइन डालते टाइम हमें इस गाइड वायर की जरूरत पड़ती है, मैंने वापस इसका कैप लगा दिया। तीसरा सामान जो है वो है आपका इंट्रोड्यूसर निडल। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि ये निडल
साधारण निडल के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है और उस सेट के अंदर सेपरेटली प्रोवाइड की जाती है। तो आप देख सकते हो ये निडल जो कि कवर की हुई है ताकि इंजरी ना हो, और इसमें दो ओपनिंग होती है, इसमें एक में सिरिंज लग जाती है और दूसरे से हम गाइड वायर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं। ये आपकी इंट्रोड्यूसर निडल होगी। उसके बाद मैंने कहा था डायलेटर, डायलेटर का काम होता है कि जो गाइड वायर आपने डाल दिया है उसके ऊपर इसको हम इम्प्लांट करते हैं, इसके ऊपर हम इसको माउंट करके उस ल्यूमन को डायलेट करते हैं ताकि हमारी सेंट्रल लाइन आसानी से चली जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड डायलेटर। तो एक ही सेंट्रल वीनस कैथेटर सेट में इतने सामान के साथ साथ में स्केल्पल, जैसा मैंने आपको कहा था ये रहा स्केल्पल, ये भी कवर किया हुआ था, आप देख सकते हो इट इज स्केल्पल जो सेंट्रल लाइन के साथ में प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा था सिरिंज और सूचर सेट इसके अंदर होता है, और ये कवर करने के लिए ये अलग से कैप दिए जाते हैं ताकि आप हाइजीन मेंटेन कर सको। तो ये सारा सामान एक सेंट्रल वीनस कैथेटर सेट में निकलता है। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर सेंट्रल लाइन का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पर हम डाल देंगे, उसका लिंक भी आपको भेज देंगे। लेकिन आपको एक सिंपल जानकारी होनी चाहिए कि जो स्टेप्स होते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर डालने के वो क्या क्या होते हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। सपोज किसी पेशेंट को आपको इंटरनल जुगलर वेन यानी कि IJV के अंदर अगर लाइन डालनी है सेंट्रल लाइन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आजकल USG यानी कि सोनोग्राफी की मशीन से लोकेट कर लेते हैं कि जहां हम निडल प्रिक करने वाले हैं वो एरिया सही है, एक्यूरेट है या नहीं। पूरा स्टेराइल तरीके से, पूरा गाउन पहन के, ग्लव्स पहन के, कैप मास्क पहनने के बाद में स्टेराइल टेक्निक से हम खड़े हुए हैं पेशेंट की साइड पर, वो वीडियो में आपको दिख जाएगा, हर एक चीज क्लियर दिखेगी आपको। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये जो इंट्रोड्यूसर निडल है ना, इसमें हमने एक तरफ से सिरिंज कनेक्ट कर ली, ये मैंने सिरिंज कनेक्ट की। अब इस सिरिंज को मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, गाउन पहना हुआ, पूरा स्टेराइल टेक्नोलॉजी से, और मैंने USG सोनोग्राफी मशीन से मार्क कर लिया है कि मुझे कहां पर प्रिक करना है। इसमें मैं थोड़ा सा सलाइन भर लेता हूं ताकि एयर उसके अंदर इंजेक्ट ना हो पाए, और मैं अगर बैक फ्लो चेक करूं तो ब्लड भी मुझे दिखाई दे जाए। तो जैसे ही मैंने इंटरनल जुगुलर वेन को प्रिक किया, जो कि सोनोग्राफी से गाइडेड है, मुझे सामने मशीन में दिख रहा है कि मैं जहां प्रिक कर रहा हूं वो ठीक इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर है, जैसे ही मैं हिट करूंगा यहां पर मेरी सिरिंज में ब्लड आ जाएगा क्योंकि मैं उसको सक करते हुए नेगेटिवली ऊपर की तरफ खींचते हुए मैं अंदर जा रहा हूं। जैसे यहां ब्लड आएगा मैं अपनी निडल को सबसे पहले फिक्स करूंगा, प्रोसीजर में भी आपको दिख जाएगा। मैंने जैसे ही अपनी निडल फिक्स की ये सिरिंज मैंने निकाल दी। आप इमेजिन करके चलो यहां पेशेंट लेटा हुआ है, मैं प्रोसीजर कर रहा हूं, आप उसको असिस्ट करा रहे हो, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए क्या सामान चाहिए, क्या क्या पोजीशन देनी है, कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ने वाली है और स्टेप्स क्या होते हैं ताकि आप असिस्ट करा पाओ। अभी मैंने सिरिंज को निकाल दिया, अभी जो मेरी निडल है वो फिक्स कर ली है मैंने, ना पेशेंट लेगा ना मैं हिलूंगा, और मुझे जो सामान चाहिए वो नर्सिंग ऑफिसर मुझे प्रोवाइड कराएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं इसके अंदर गाइड वायर डालूं। तो मैंने सिरिंज खोल दी है, अगर मैं सिरिंज ना भी खोलूं, सिरिंज अगर मैं नहीं भी खोलता हूं तो भी मैं आराम से, क्योंकि इसमें दो पोर्ट हैं, दो पोर्ट में से एक में मैं आसानी से गाइड वायर, देखो ये जे शेप था, इसको मैंने यहां फिक्स किया और इसके बाद इसको मैंने आगे डालना शुरू कर दिया। देखिए ये गाइड वायर निकल के अब कहां गया, सीधा का सीधा जिस लाइन में यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन में हमने इस निडल को डाला हुआ है, यहां पर इसके मार्क्स लगे हुए थे, निशान लगा हुआ होता है, आपको लगभग 3 मार्क्स के या 3 मार्क के जितना आपको अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करते हो, अब देखो क्या हुआ, ये निडल भी वेन के अंदर थी, ये गाइड वायर भी अब वेन के अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, गाइड वायर को पकड़ लेंगे और निडल को पीछे खींचना शुरू कर देंगे। निडल को पीछे खींचना शुरू किया, लेकिन ध्यान क्या रखते हैं बच्चों कि गाइड वायर अभी भी पेशेंट की वेन के अंदर ही है। अब क्या है, निडल भी निकल गई, सिरिंज मैंने पहले ही हटा दी थी, तो अब मेरा सिर्फ गाइड वायर वेन के अंदर है, बाकी सामान सब बाहर आ चुका है। तो अभी भी मैं अगर वेन में पहुंचना चाहूं तो गाइड वायर के थ्रू आसानी से जा सकता हूं। अब मुझे सेंट्रल लाइन डालनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम होता है उसको डायलेट करने का, क्योंकि हमें इसमें एक डायलेटर प्रोवाइड किया हुआ है ताकि हम अपना जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उसको हम डायलेट कर लें ताकि हमारी जो लाइन है वो आसानी से चली जाए, वो मुड़े नहीं, वो ब्लॉक नहीं। अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे इसमें ये मैंने गाइड वायर के ऊपर ये डायलेटर को माउंट किया और अब मैं गाइड वायर को फिक्स करके डायलेटर को पेशेंट की अंदर स्किन के नीचे ले जा रहा हूं ताकि मैं इस ट्रैक को पूरा डायलेट करता हूं। मैं दो एक बार ऐसे मूव करता हूं ताकि आसानी से मेरा जो लाइन है वो चली जाए। अभी भी ध्यान ये रखना है कि हमारा गाइड वायर वेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मैंने इस डायलेटर को फिर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, अभी भी हमारे पास सिर्फ जो गाइड वायर था वो वेन के अंदर है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने डायलेटर को इस पर माउंट किया था वैसे ही अब मैं सेंट्रल लाइन को इस गाइड वायर के ऊपर माउंट करूंगा और मैं गाइड वायर को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही वो इस ल्यूमन से बाहर निकलेगा, देखो मैंने कहा था ना इस वाली ल्यूमन से गाइड वायर बाहर निकल चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो सेंट्रल लाइन है वो तो अंदर की तरफ जाएगी और गाइड वायर को मैं बाहर की तरफ निकालूंगा। जैसे ही सेंट्रल लाइन अंदर जाएगी मैं सेंट्रल लाइन को फिक्स करके गाइड वायर को निकालूंगा। ये मैंने गाइड वायर को निकाला और सबसे पहला काम करूंगा इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये जो एक पोर्ट ओपन था, क्योंकि ये दोनों पोर्ट तो पहले से ही ब्लॉक्ड है, इनके तो कैप लगे हुए, ये खुला हुआ है, तो अब मैं इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको हेड लो पोजिशन नहीं दी तो हो सकता है कुछ एयर हार्ट के अंदर या वेसल्स के अंदर जा सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, किंक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सिरिंज होगी, उस सिरिंज में मैंने सलाइन भरा होगा, सिरिंज को मैंने कनेक्ट किया। अब मैं पहले नेगेटिव सक्शन करूंगा, ब्लड थोड़ा सा सिरिंज के अंदर लूंगा और उसके बाद जो मैंने सलाइन लिया उससे इसको मैं वापस फ्लश कर दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, फ्लश कर दिया, फिर से मैंने इसको ब्लॉक किया। अब जो मेरे पास इसके लिए कैप अवेलेबल है जो कि सेट में प्रोवाइड किया गया है, इस कैप से मैं इसके जो ओपनिंग है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। कैप मतलब ढक्कन लगा दिया सिंपली। अब ये ल्यूमन तो फ्लश होगी बच्चों, इसी तरह से मैं बाकी के ल्यूमन्स को भी फ्लश करूंगा। मैंने इस तरह से इसको ब्लॉक किया था, उसकी बजाय कंपनी ने ये देखो प्रोवाइड किया हुआ है, इसको ब्लॉकर ही कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से अगर घुमाओगे तो ये टेढ़ा होकर के इसको ल्यूमन को ब्लॉक कर चुका है, इट इज क्लोज्ड नाउ। तो आप इसको खोलोगे तो कोई ब्लड वापस नहीं आएगा, बैक फ्लो नहीं होगा। आपने इसमें सलाइन ले रखा है, उस सिरिंज को आपने कनेक्ट किया, इसको अनब्लॉक किया, ये आपने खोल दिया इसको। जैसे ही आपने खोला इसमें आपको सक करोगे नेगेटिवली तो इसमें ब्लड आ जाएगा, जैसे ही ब्लड आता है आप इसको फ्लश कर दोगे। और इस तरह से तीनों ल्यूमन को फ्लश करने के बाद आप उस पर ड्रेसिंग लगा देते हो। इवन ड्रेसिंग के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, उस ड्रेसिंग का नाम होता है टेगाडर्म, जो आजकल इसी सेट में प्रोवाइड किया जाने लग गया है। टेगाडर्म जो हम ड्रेसिंग लगाते हैं, ये रेडीमेड ड्रेसिंग आती है बच्चों, सेल्फ एडेसिव होती है, जैसे आप एक उसको खोल दोगे तो जो एडेसिव वाला पार्ट है वो स्किन पर अप्लाई हो जाएगा। टेगाडर्म जो है वो सेल्फ एडेसिव यानी कि अपने आप चिपकने वाली ड्रेसिंग है ना, जो सेंट्रल लाइन या फिर हीमोडायलिसिस पोर्ट या HD पोर्ट के साथ में प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों ये हॉस्पिटल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया है। वो प्रोसीजर है सेंट्रल लाइन इंसर्शन, इंसर्ट की हमने सेंट्रल लाइन, या इसको हम बोलते हैं कि CVC इंसर्शन यानी कि सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपने नई चीज सीखी है, ऐसी चीज सीखी है हॉस्पिटल में होने वाली प्रैक्टिकली, क्योंकि ये मेरा काम है दिन रात सेंट्रल लाइन डालने का, अगर आपको एकदम उसी तरह से कि कैसे हम वॉश करते हैं, किस तरह से स्टराइल या हाइजीन को मेंटेन करते हैं और एक एक स्टेप को भी अगर आप समझना चाहते हो, तो एक और वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको अपलोड करूंगा, उसका लिंक भी शेयर करूंगा आपके साथ में, तो उसको भी देखना। इस वीडियो को भी आप दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले बच्चे उन चीज़ों को थोड़ा क्लोजली समझ पाएं, थोड़ा डिटेल में समझ पाएं जिन पर हर साल नॉर्सेट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। नए वीडियो के साथ, नए प्रोसीजर के साथ आपके सामने फिर आऊंगे, तब तक के लिए टेक केयर, खूब सारी पढ़ाई करें और नर्सिंग ऑफिसर जल्द से जल्द बने। थैंक यू सो मच।